बोलिए कारसदेव महाराज की। हाँ प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कार्यक्रम आप कन्हैया कैस्टेट के माध्यम से अखिलेश अलग ग्राम सिया के स्वर में सुन रहे हैं। श्री कारसदेव भगवान की महिमा का ये दूसरा भाग है जिसका आप लोग आनंद लें। हमारे साथ बेंजू पर संगत कर रहे हैं जयराम भाई, जो विजयपुर की परम पावन भूमि से हैं। ढोलक पर संगत कर रहे हैं देवेंद्र निर्मल, अंडोरा लांच निवासी। और नगरिया पर संगत कर रहे हैं गंगाराम प्राइवेट। और मजीरा पर संगत कर रहे हैं श्री राम सिंह भाई साहब जी, जो कि हमारी ग्राम सिया के हैं। और झींका पर संगत कर रहे हैं महेंद्र भाई, खैरोना घाट दतिया। तो आप लोग श्री कारसदेव महिमा की दूसरे भाग का आनंद लें। जैसे ही बहन हेलादी चंबल नदी के पार पर पहुंचती हैं, उनके साथ उनकी माता सोड़ा और भाई सूरपाल व राजू गुजर पिताजी थे। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही चंबल नदी से प्रार्थना की हेलादी बेटी ने कि माता आप हमें आगे जाने का मार्ग दें, तो देखिए चंबल नदी क्या कहने लगती है। सुने आप लोग, चंबल कै रोकू अगर काटू अपनी धार, तो भादों में भयंकर मर्यादा होए छार। बिरजी बेटी मन दुखियारी, ए लो मानी चंबल हारी। बिरजी बेटी मन दुखियारी, चंबल हारी। बेटी के तप का कमाल देखिए। अरे के कट गई धार अचीती जल की, कट गई कट गई। चंबल की और पार भाए के दिखने लगी रेत चंबल की दिखने। जैसे ही हेलादी ने अपना तप साधा तो चंबल की रेत दिखने लगी और मार्ग दे दिया चंबल नदी ने। आरेक पग दए झांझ भूम में धार, राजा माना जात लोहार, घूमे जबर छड़ी बरदार और पकड़ लाए। उधर जैसे ही चंबल नदी को पार करके झांझ की भूमि में राजू गुजर सोड़ा सूरपाल और हेलादी पहुंचते हैं,
तो वहां माना राजा के सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया। आगे देखिए क्या होता है। आखन कोर बंधी अश्वन की राजू ने रोदन ठाना, सोला मात कल्हारी पिपता पिघल गयो राजा माना, सोला मात कल्हारी पिपता पिघल गयो राजा माना। हो जाए तुम मांझे हार में ना हृदय में घबड़ाना, दो बीघा की खोड़ गबीली करियल धौरी ठहराना, दो बीघा की खोड़ गबीली करियल धौरी ठहराना। इनको पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं और सोला माता अपनी विपता राजा को सुनाती हैं। राजू भी रोने लगते हैं तो माना राजा इनकी विपता सुन के पिघल जाता है और इन्हें दो बीघा की खोड़ मांझे हार में देता है और कहता है आप हमारे राज्य में निर्भय होकर रहो। लेकिन देखिए, अरे भादों को मास जाने का नाथ करैया, यदि का नाथ करैया यो परो रोग मर गई सब भैंसे गैया, यो परो रोग मर गई सब भैंसे गैया। जावे घर बारो नैया। जैसे ही भादों का महीना लगता है तो राजू गुजर की करियल धौरी सभी रोग से मर जाती हैं। इतनी विपता पड़ती है कि माता सोला घर घर जाकर चकिया चलाती हैं और क्या होता है। उते धोकनी धोक में राजू चारो पहाड़ी और सूरपाल तक भय बर दिया विपता पर गई भारी। जय जय जयकार। सूरपाल तक भये बरिदिया विपता पर गई भारी।
इत कठिन विपत्ति में बेटी हैलादी ने क्या किया? निचले चंबल घाट पे रेत भरे दो हाथ, रोज बनावे मिटारे नित नए भोलानाथ। टेके माथ विनय कर कर के दर्शन दियो त्रिपुरारी अरियेरी। टेके माथ विनय कर कर के दर्शन दो त्रिपुरारी अरियेरी। बेटी हैलादी भूत बावन भोलेनाथ की तपस्या करने लगती हैं। अरे के देखे ग्वाल बाल नित आके, बोले तब बेटी से जाके, भोला मेटत रोज बना के एक काम करो के ऊपर घाट चमली गया न्यारो ऊपर। कहने लगते हैं कि तुम बेटी नित प्रतिदिन बालू के भोला नाथ बनाकर फिर से उनको मिटार देती हो, इससे अच्छा है ऊपर चंबल के घाट पर भोले नाथ का मंदिर है, वहीं जाके आप भोले बाबा की तपस्या करें तो देखिए क्या होता है। अरे के ऊपर घाट चमली जा न्यारो, मंदिर मई भोला को प्यारो, पूजा करो रात दिन धारो, चाहे ध्यान धरो। निराहार हो तब बेटी ने सेवा संग ध्यान कीनो, जड़कारे चौमा से गर्मी असमय समय नहीं चीनो, जड़कारे चौमा से गर्मी असमय समय नहीं चीनो। तपस्या करते करते 12 साल बीत गए, बेटी ने अपना अन्न पानी सब कुछ छोड़ दिया, तब भोले बाबा का सिंहासन डोला और उन्होंने आके दर्शन दिए और कहने लगे, अरे तिल भर न रही बेटी तेरे तप में खामी, जी हाँ तप में खामी। Oh.
भरियो हामी हेलादी कहने लगती हैं भोले बापा से, ऐसो बलि बिरन देव बर में सूर वीर तपधारी, साके करे अमर धरनी पे सेवा करे तुम्हारी, दे 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 करे अमर धरनी पे सेवा करे तुम्हारी, हेलादी ऐसा वरदान मांगती हैं। गर्भी गरुगा ढार को कर दे बारा बाट, बार बार ना तप करो मैं चंबल के घाट, भावई भरे भावलक भोले बोले तब भंडारी, अरे भावल भरे भावलक भोले बोले तब भंडारी, अरे भंडारी, अरेक बेटी रखना मन विश्वास बेटी, कहने लगते हैं कि बेटी अपने मन में विश्वास रखना, आगे कार्तिक का महीना है जिसमें सोमंती अमास पड़ती है, और अपनी माता से कहना कि वो कार्तिक को अनवाए, अरे के सोड़ा कार्तिक के लिए अनाए, लागे फिर पच बेटिया आए, अपनी गांठ ले बंधवाए पांच
हैं भोले बाबा। जन में भाई क्या भात दबई क्या बैर बहोरी रख भई क्या साके करे अमर धरनी पे फूलन धारी जन मई क्या साके करे अमर धरनी पे फूलन धारी जन मई क्या मना करी सोड़ा माता ने करन लगी हा हा दैया मना करी सोड़ा माता ने करन लगी हा दैया पंडित न गांठ बांधी गुजरी जात से यदि गुजरी जात से मैया को नाम लेके खुद बांधी हाथ से ठाकुर जी लाए सखियन के संग साथ से यदि यहाँ संग साथ से चंबल में फूल आ गओ बेतास यात से चंबल में फूल आ गओ बेतास यात से बेलादी बेटी ने मैया का नाम लेकर गांठ बांधी और व्रत रखा तो चंबल नदी की धारा में एक बहता हुआ फूल आया। जोर जनायो सब सखियन ने झोली जाए पसारी और समा गयो झोली में आई है लादी की बारी दे 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 कर समा गयो जोली में आई हेला दी की बारी। हेला दी की गोदी में उस चंबल नदी की धारा में बहता हुआ कमल का पुष्प आता है और हेला दी उस फूल को घर पर ले आती है। फिर देखिए क्या होता है। कमल पुष्प जब मात की दौली में डार कमल पुष्प जब मात की दौली में डाल दिव्य ज्योत भई लाल तब हाल बन गयो लाल। वो कमल का पुष्प दिव्य ज्योति के साथ एक लड़के में एक छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मन मलीन राजू कर दीनी उत घर की तैयारी। उधर राजू को मालूम चलता है कि उनके वहां पुत्र का जन्म हुआ है तो बहुत उदास हो जाते हैं कि मैं तो यहां पर काम करता हूं और मेरे घर में पुत्र का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। लेकिन ये सब कारस्थेव भगवान की लीला थी। कमल पुष्प के अवतारी हैं वो
माता की ओली में जैसे ही हलादी ने कमल का पुष्प डाला तो भगवान कारसदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। और क्या होता है, मनमलीन राजू कर दीनी उत घर की तैयारी, अरे के जनमत झांझ पति सरकार जनमत, अरे के जनमत झांझ पति सरकार फूलन बरसा भाई अपार, मथुरा हो गई माजे हार झांझ अयोध्या, हो गए पांच कंजूरा छार हो गए हो गए, जब झांझपति सरकार ने जन्म लिया आकाश से फूलों की देवताओं ने वर्षा की, मानो माजे हार मथुरा के समान हो गया और झांझ जैसे अयोध्या हो गई हो। उधर माना राजा के किले के पांच कंगूरे टूट जाते हैं, अरे के हो गए पांच कंगूरा छार, माना मन भय भीत लोहार, लोटो तख्ता गरुगा ढार अस गुण है क्या, माजे हार और टोड़ा झांझ में सवा पहर कंचन बरसो, माजे हार और टोड़ा झांझ में पहर कंचन बरसो, सोने सो दिन रूपन रतिया बसती भर को मन हरसो, सोने सो दिन रूपन रतिया बसती भर को मन हरसो, और माजे हार में सवा पहर कंचन की वर्षा होती है, माजे हार और टोड़ा झांझ में सवा पहर कंचन बरसो, यदि सवा पहर कंचन बरसो, सोने सो दिन रूपन रतिया बस्ती भर को मन हरसो, एकदम राजन से घर सो, देखन हारे कहन लगे के लड़का होवे गुजर सो, देखन हारे कहन लगे के लड़का होवे गुजर सो, राजू की कांस की मड़ैया राजा के राजभवनों के समान हो जाती है कारसदेव महाराज के जन्मते ही। अरे भर भर दयो बोलऊगा फिर कहां से आयो, यदि हाँ कहां से आयो, कारस कला बढ़ाई ना नेक बढ़ायो, कारस कला पसारी ना नेक
भर दयो बुलऊ का फिर का से आयो कारस कला पसारी नाने गुबड़ायो फेंके जवाब सोरन फेंके जवाब सोरन घर मन पछतायो धोती में लगे दाने जब उन्हें झरायो धोती में लगे दाने तब उन्हें झरायो फेंके जवाब सोरिन जब मन पछतायो झोली में लगे दाने तब उन्हें झरायो बसोरिन जब आती है सुनकर तो जन्म के उत्सव में जो उसे गरीब घर गुजर के जो कुछ देने के लिए था जवा दिए गए लेकिन वो उनको फेंक देती है किसका हम क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पे जाकर उस झोली से उनको झराती है तब क्या चमत्कार होता है। बने सुनो बे हीरा मोती लौटी भगी बिचारी दई भभूत चुटकी भर कारस भर गए अटाय अटारी जय 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 कारस बलधारी दई भभूत चुटकी भर कारस भर गए अटा अटारी राख ढोत दंपति के झरे मूल के बार शीस पटक रोही कला कारस लई समार बाग लखूला में चंदन की छाए गबीली प्यारी अरे एक पलना बई को दो बनवाए पलना बई को दो बनवाए पलना बसोरन पति पत्नी जब कारसदेव महाराज के चरणों में गिर पलते हैं तो वो अपनी कला को समार लेते हैं और जिस भभूति से उनके सारा घर भर चुका था वो खाली हो जाता है। तब महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं तो पलने के लिए अपनी बहन से बिरज जाते हैं और कहने लगते हैं बाग लखूला में चंदन की छाए गबीली प्यारी अरे एक पलना बई को दो बनवाए ले गए बाड़ई भवन लवाए बिरज जब बेना से जाए जे बरदानी सुन के बाड़ई गौ घबराए सुन के जामे सर्प लपेटा खाए काले बिच्छू जी उडराए अजगर सानी बाड़ई कहने लगता है कि महाराज जो चंदन की बगिया है लखूला बाग उसमें बहुत ही जहरीले जीव हैं मैं आपके लिए पलना कैसे बना सकता हूँ। तब महाराज ने क्या किया
ईंदुल गई क्या को मालिक ने दूध न दोलन भरा लयो यजि दूध न दोलन भरा लयो सर्प मोह लय पा बगिया के चंदन बिरछा कटा दयो चंदन बिरछा कटा दयो सजत विमान सरी को पलना छोटे बाड़ई बना दयो फूलन बारी मालिन को तब गर्भ स्वामी घटा दयो फूलन बारी मालिन को तब गर्भ स्वामी घटा दयो फूलन बारी मालिन को तब गर्भ स्वामी घटा दयो हर जो हर दिखाओ माना को कुंगर बंधायो यदि हाँ कुंगर बंधायो तब तात तनु का सुन माना ने दबायो जो हर दिखाओ बछेरा को जी ललचायो कोड़ी करके उस महगिल की बिधने देह बिगारी हाँ तो फिर कारस ने काया कंचन की कर डारी जय 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 कारस बलधारी